हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तो इससे पहले जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, जहाँ से बंद किया था वहीं से फिर आज का वीडियो स्टार्ट किया है। तो हम लोग रूम में ही है अभी, सभी लोग रेडी हो चुके हैं और स्नान उस्नान किया, रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं अब दर्शन करने। इतना लंबा सफ़र करने के बाद सबका भी हालत तो आप लोग देख पा रहे होंगे, एकदम ख़राब ख़राब सा हो गया है। और मैंने कान में बड़ा पहनने के लिए निकाला था छोटा वाला इयर रिंग जो पहना था, बट वो भी नहीं पहन पाई हूँ क्योंकि बहुत थकान सा लग रहा था। बट मुझे था कि पहले दर्शन करके तो फिर आराम करेंगे हम लोग। और ये है हम लोगों का रूम जो कि ई वाले फ्लैट में लिया है, साई आश्रम में ही ई फ्लैट है, वहाँ पे है। और रूम से बाहर निकल गए थे तो मैं यहाँ पर दिखा रही थी आप लोगों को कि कितना सारा जगह है रहने के लिए, व्यवस्था बहुत अच्छा है। और यहाँ पर वैसे यहाँ का हर रूम अच्छा होता है और सब रूम एक जैसे ही होते हैं, चाहे ए में रहे या जी में रहे, बी में रहे, सी में रहे, सभी रूम एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर मैं और मम्मी चले हैं, पापा भी चले हैं, बट पापा के पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था तो इसलिए बीच बीच में पापा बैठ जा रहे थे। और बस अब हम लोग चले हैं साईं बाबा के पहले दर्शन करेंगे, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं शिरडी में, तो पहले शिरडी में साईं बाबा का दर्शन कर लेंगे। उसके बाद ही कुछ तो आए थे बाहर, तो बाहर चाय के लिए कैंटीन होता है, यहाँ पे चाय बहुत सस्ता मिलता है चाय आश्रम में। तो मुझे था कि नहीं, जब शिरडी जा रहे हैं तो साईं बाबा के ही पास रुकेंगे, साईं आश्रम में ही रुक जाते हैं और हम लोग जो कुछ भी खाएं पिएंगे जो बाहर हमें देना है यहीं पे दान कर देंगे, दान पेटी में डाल देंगे, हो जाएगा। तो ऐसा सोच के हम लोगों ने यहीं पर रूम लिया और यहीं रुके। रूम पहले से बुक था और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो बस चाय वही हमने पिया, चाय पीने के बाद तो आ गए हैं अब गेट पे। यह है मेन गेट साईं आश्रम का। बस गेट के पास में ही है बस स्टैंड, तो बस आश्रम से ही आश्रम की बस रहती है तो यहाँ से ले जाएगी शिरडी साईं बाबा के मंदिर में। मंदिर परिसर में दर्शन होगा और दर्शन करने के बाद जो भोजनालय है भोजनालय तक ले जाएगी, भोजनालय में भोजन करिए, फिर उसके बाद वहीं सेम बस आएगी हम लोगों को यहाँ पे साईं आश्रम में भी छोड़ेगी। तो ये वाली सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ की, देखिए देख सकते हैं आप लोग। तो अभी बस आ चुकी है तो उसमें जो लोग पहले से बैठ के गए थे दर्शन करने साईं आश्रम में उतर जाएंगे और हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, जब वो लोग उतर जाएंगे तो हम लोग बस में चढ़ जाएंगे। बस तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब मंदिर परिसर में और एक नंबर गेट ये है, आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे कि एक लिखा हुआ है, तो यह है गेट नंबर एक। और पांच गेट हैं, फाइव गेट। तो अभी हम लोग एक नंबर से जा रहे हैं, अभी तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे एक नंबर से क्योंकि अभी हमें मोबाइल जमा करना है, मोबाइल बस वीडियो के लिए लेके गई थी, नहीं तो रूम पर भी छोड़ के जा सकती थी। बट मुझे लगा कि नहीं, वीडियो बनाना है तो फिर कैसे मोबाइल जमा कर देंगे, रूम में ही रख देंगे तो वीडियो नहीं हो पाएगा। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं, अभी मोबाइल जमा करेंगे, जूता चप्पल स्टैंड है वहाँ पे जूता चप्पल रखेंगे, फिर उसके बाद तो जाएंगे दर्शन करने के लिए लाइन में। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कितनी सारी छोटी छोटी दुकानें हैं रोड के बाहर, सब लोग लगा के बैठे हैं। और ये है जो कि खाली है अभी धूप की वजह से, धूप काफ़ी हो गया था तो आजकल दर्शन करने के लिए भी लोग जाते हैं तो शाम में जाते हैं या तो फिर सुबह में ही जाते हैं, बल्कि 4 बजे भोर वाली काकड़ आरती जो होती है उसमें लोग चले जाते हैं, बट दोपहर में कोई जाना नहीं पसंद करता। और इस समय शायद इसी वजह से बहुत भीड़ कम है, नहीं तो पहली बार मैं देख रही हूँ कि शिरडी में इतना भीड़ कम है, नहीं तो भीड़ तो कम यहाँ पे होता ही नहीं है। तो ये सब मंदिर परिसर है, अंदर और बाहर दुकानें हैं सब, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैंने खूब अच्छे से पूरा शिरडी घुमाया आप लोगों को, बट बस यही कि मंदिर में मोबाइल नहीं जाता बस, नहीं तो और तो सब कुछ मैंने दिखा दिया है। अभी ये बस जस्ट मंदिर परिसर के बाहर का है ये, तो यहाँ पर ये है। अभी हम लोग बस जा ही रहे हैं फ़ोन और जूता चप्पल जमा करने के लिए।
तो यहाँ पे आ गए थे दुबे जी पहले प्रसाद के लिए, बट भूल गए थे शायद कि प्रसाद तो अंदर जाता ही नहीं है, और मैंने मना भी किया था कि प्रसाद अंदर नहीं जाएगा, बट इस बार हम लोग 3 साल में गए थे तो भूल गए थे, और कुछ नियम भी चेंज हो गया था। पहले तो फूल उल जैसे कि गुलाब का फूल उल लेके जाते थे तो वहीं चढ़ा देते थे, और कभी कदा प्रसाद भी चला जाता था अंदर, बट इस बार तो बिल्कुल भी नहीं गया प्रसाद न, तो फूल गया, फूल बाहर ही गेट के पास रखवा दिए एक टोकरी में, और प्रसाद तो हम लोग फिर लेके आए जहाँ से खरीद के ले जा रहे हैं दुबे जी, वहीं पे फिर जमा कर दिया था, और यहाँ आ गए हैं। फ़ोन सब स्विच ऑफ करके हम लोगों ने दे दिया है, अभी देने जा रही हूँ मैं। फ़ोन जमा करने के बाद हम लोग चले गए थे अंदर दर्शन करने, और दर्शन करने के लिए गए अंदर तो अंदर शुरू हो गई थी आरती साईं बाबा की, तो शाम वाली आरती में भी हम लोग पहुँच गए, और लाइन में लगे बाहर से तो दिखने में लग रहा था कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, बट हम लोग निकले हैं दर्शन करके रात के 9 बजे, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए परिसर पूरा खाली दिख रहा है, बट हम लोग 9 बजे निकले थे, अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ था, आरती की वजह से अंदर सब लाइन रोक दी गई थी, तो दर्शन अच्छे से कर लिया हम लोगों ने, आरती कर लिया, फिर उसके बाद बाहर निकली हूँ, तो मैंने मोबाइल लेकर फिर सोचा कि वीडियो बनाऊँ आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं कहाँ कहाँ गई थी। तो पहले मैं गई थी शिरडी मंदिर साईं बाबा के समाधि स्थल पे दर्शन करने, वहाँ पे दर्शन करने के बाद तो मैं फिर से आप लोगों को दोबारा दिखा रही हूँ कि कहाँ साईं बाबा रहते थे क्या, तो वहीं सब मैं दिखा रही थी आपको। तो पहले मैंने दिखाया आप लोगों को चावड़ी, रात के 9 बज चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर बंद हो चुका है सब, 9 बजे सब बंद करके 9:30 बजे सब लाइन में लग जाते हैं, फिर से आरती सेज आरती होती है 10 बजे की, तो उसके लिए व्यवस्था हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ बंद कर दिया गया है। बट अगली बार हम लोग आए थे तो ऐसा नहीं था कि बंद हो जाता था, बट इस बार बंद हो गया है। तो श्री चावड़ी है ये, चावड़ी में साईं बाबा बोलते हैं लोग कि हर तीसरे दिन रात्रि में आकर विश्राम करते थे श्री चावड़ी में। तो फिर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि भीड़ काफ़ी ढेर सारा हो गया है, क्योंकि बाहर सारी दुकानें हैं तो सब लोग वहाँ, तो हम लोग पहले गए थे मंदिर में समाधि मंदिर में दर्शन किया, फिर उसके बाद आ गए थे द्वारिका माई में, और लास्ट में हम लोग श्री चावड़ी में गए थे। और यहाँ पे हर जगह बड़ी वाली LED TV लगी होती है, और उसमें सीधा प्रसारण होता है साईं बाबा के मंदिर में क्या हो रहा है कैसे, तो हम लोगों ने रूम लिया है वहाँ पे भी, यही है व्यवस्था है, पूरा दिखता है हर समय कि अभी क्या हो रहा है, आरती हो रहा है, पूजा हो रहा है, कैसे पूजा हो रहा है साईं बाबा का, और शिरडी में हर जगह पे लगभग ऐसे है व्यवस्था। तो आप लोग भी थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए, थोड़ा सा फ़ोन हिल गया है मुझसे क्योंकि ऊपर था ये TV और वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, तो फिर मैंने बनाया कैसे जैसे तैसे करके, और जो भी बना है आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पे रात्रि के 9 बजे भी साईं बाबा की आरती की तैयारी चल रही थी। तो ये है वीडियो, और साईं बाबा ने क्या पहना हुआ है कैसे हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लिए होंगे अच्छा से। और ये है द्वारिका माई, जहाँ पे कि साईं बाबा 60 सालों तक रहकर निरंतर भक्तों के उद्धार के लिए समझाया, ज्ञान दिया। तो ये है द्वारिका माई, यहाँ पे साईं बाबा रहते थे, और यहाँ पे मैं जब अंदर गई तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कैसा फीलिंग मुझे आ रहा था, जैसे लग रहा था कि साईं बाबा बस जस्ट मेरे सामने बैठे हुए हैं, और मुझे तो आज साईं बाबा का स्पेशल प्रसाद भी मिला। और आज क्या, मैं जब भी जाती हूँ शिरडी में तो मुझे मिलता ही है, पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही होता है या सबके साथ, बट मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है। और मैं आप लोगों को बताऊँगी भी आगे चल के कि क्या प्रसाद मिला मुझे साईं बाबा का, समझ लीजिए कि एक चमत्कार जैसे हो गया। मैंने खिड़की में से दिखाया आप लोगों को, ये है द्वारिका माई, और ऊपर आप लोग देख रहे होंगे यहीं पे साईं बाबा बैठते थे, और ये पूरा पढ़ लीजिए आप लोग, मैंने अच्छे से खूब वीडियो बना लिया है कि आप लोग पढ़ भी सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, नहीं किया अभी तक तो, न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे चमत्कार हुए हैं साईं बाबा के, मैं आप लोगों को बताऊंगी एक एक वीडियो में करके। और द्वारिका माई का आप लोगों ने अच्छे से दर्शन भी कर लिया। आज जब मैं समाधि परिसर में दर्शन कर रही थी तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि साईं बाबा थोड़े से नाराज़ दिख रहे हैं मुझसे, पता नहीं ऐसा क्यों फीलिंग मेरे मन में आता है।
और जब भी मेरे मन में ऐसा कुछ फीलिंग आता है तो पता नहीं हकीकत रहता है सही, मुझे साईं बाबा की प्रतिमा में ही ये सब नजर आता है। तो फिर मैंने साईं बाबा से बात किया कि ऐसा क्या हो गया साईं बाबा कि मुझसे आप नाराज़ हो गए। तो जब दर्शन करने के लिए लाइन में लगी थी तभी मेरे मन में ऐसी फीलिंग आ रही थी। फिर मैं उसके बाद गई थी अंदर, जब दर्शन करके मैं निकली तो मैंने साईं बाबा से बोला कि साईं बाबा मुझे ऐसा कुछ बताइए कि आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं। ये सब वीडियो मैं आप लोगों को बाहर दिखा रही हूँ, बाहर ही बैठी हुई हूँ। अभी दुबे जी कुछ खाने के लिए लेने गए थे, शायद आइसक्रीम उसक्रीम लेने के लिए गए थे, तो मैं बाहर यहाँ पे बैठ के, नहीं सर चाय लाने गए थे क्या, याद नहीं आ रहा है। तो फिर मैं बाहर बैठ के ही वीडियो बना रही थी। और तो मैंने देखिए दुबे जी चाय लेके आ गए, चाय के लिए ही गए थे, और भूल भी गई हूँ मैं शायद अभी कि क्या क्या कर रही थी। और बाहर गेट के पास छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना लिया। देखिए तीनों के तीनों सोए हुए हैं, कितना मस्ती से, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैं जब बाहर, तो मैंने साईं बाबा से बात किया, और साईं बाबा जब मैं उनके पास, नीम का पेड़ है तो मैं जब भी वहाँ पे जाती हूँ तो ये एक दो पत्ती तो मुझे ज़रूर मिलता है। और इस बार तो ऐसा साईं बाबा का चमत्कार हुआ कि नीम के पेड़ जहाँ पे बैठ के साईं बाबा अपना ज्ञान की बातें करते थे और वहीं पे बैठते थे, तो वहाँ पे सब लोग, ऐसी मान्यता है कि जो भी जाते हैं तो वहाँ पे अगर नीम का पत्ता मिल जाए तो समझ लीजिए कि साईं बाबा का आशीर्वाद मिला। तो मैं जब भी जाती हूँ शिरडी में मुझे एक दो पत्ते ज़रूर हर बार मिलते हैं, और इस बार मेरे सर के ऊपर से दो पत्ते जाली लगा हुआ था बट फिर भी आ गए, मेरे सर पे गिरे दो पत्ते, मेरे सर पर से ओह के गिरे, मैंने देखा फिर उठा लिया। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, जो लोग वहाँ थे सब लोग देख रहे थे कि आपको तो साईं बाबा ने साक्षात प्रसाद दे दिया, आकर खुद अपने हाथों से दिया। और उसके बाद मैं आ गई थी सामने, समाधि मंदिर के सामने ही है एक रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। वैसे तो खाने की पूरी व्यवस्था है, आश्रम में भी है, साईं आश्रम में जहाँ हम लोग रुके हैं वहाँ पर भी व्यवस्था है जो कि फ्री में भोजन रहता है। बट अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे खाना खाने, आगे आप लोग देख पा रहे होंगे समाधि स्थल है। तो मम्मी पापा अंदर खा रहे थे और हम लोग आ गए हैं बाहर, तो मैंने कहा बाहर ही लगा दीजिए खाना, क्योंकि एकदम मंदिर के सामने एकदम बाहर अच्छा लग रहा था बैठने में देखने में, तो यहीं हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो आइए अभी आप लोग भी भोजन कर लीजिए हम लोगों के साथ। तो हम लोगों ने भी भोजन कर लिया है और मम्मी खा रही हैं आइसक्रीम। भोजन के बाद सभी लोगों ने भोजन कर लिया अच्छे से, और यहाँ पे खाना बहुत बेस्ट था, आप लोग भी ज़रूर आइएगा तो यहाँ पे एक बार खाना खाइए। कि एकदम समाधि मंदिर परिसर के सामने है, आप लोग देख पा रहे होंगे सामने बोर्ड भी लगा है मंदिर का, समाधि मंदिर परिसर एकदम सामने। और मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम भी दिया है, जब इस रेस्टोरेंट में आए तो आगे मैंने नाम दिखाया आप लोगों को, फूड कोर्ट नाम से है शायद इस रेस्टोरेंट का नाम, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर यहाँ पे आना हो तो जब भी सीडी में आए, क्योंकि मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और थोड़ी सी अब होगी हम लोगों की शॉपिंग। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।